हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? ठीक ठाक? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय म्यूज़िक पे। और आइए, जैसे कि हम रूटीन में सीख रहे हैं ढोलक बजाना और कहरवा ताल के दोगुन के ऑलमोस्ट मैंने सभी लेसन्स डालने हैं, बट चलो फिर भी मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का जो लेसन है, मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था कि मैं नेक्स्ट डे ये लेसन डालने जा रहा हूँ, बट कल थोड़ा बिजी हो गया था। जो आज का हमारा लेसन है, ये भी किसी हमारे स्टूडेंट की ही वो फरमाइश बोल लो, और उन्होंने कमेंट में लिखा कि सर दीपचंदी लेसन का आप बताइए कुछ, दीपचंदी ताल का। तो आइए आज हम सीखेंगे ताल दीपचंदी। 14 मात्रे का ताल है, 14 बीट्स। तो इसमें आपको बेसिक लेसन सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, उसके बाद हम वेरिएशंस भी सीखेंगे। तो बेसिक इसका पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। थैंक यू। ओके, तो इससे भी थोड़ा सा बेसिक लेसन ही मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये अभी आपके लिए टफ होगा और ये डे बाय डे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ तक भी ले आऊँगा। तो क्योंकि मैं पहले हर वीडियो में बोलता हूँ, जितना एबल मैं हूँ ढोलक बजाने में, आपको उतना तक सिखा सकता हूँ। बहुत ही दिग्गज और महारथी कलाकार एक से एक बढ़ के बैठे हैं। तो एनीवेज, आइए बोल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और सबसे पहले सीखते हैं। और सारे मैंने आपको बेसिकली जो बेसिक्स हैं, ना ता धा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको मैंने सिखाया है। जिनको नहीं मालूम वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। माई म्यूजिक का चैनल खोलिए, उसमें वीडियोज़ पर जाइए और सारे मेरे लेसन्स वहाँ हैं। ओके, ये आएगा, मैं आपको इस तरह का सिखाऊंगा। ये देखिए, लाइक आपको कम से कम दीप चंदी ताल का पता होना चाहिए, कि अभी जो नए हैं उनके लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बजाना पड़ गया किसी के साथ, कम से कम बेसिक तो बजाओ ना, वो कवर हो जाएगा और उसको और सुनने वाले को भी कोई ये नहीं होगा कि यार ये क्या कर दिया। बेसिक आना चाहिए। तो आइए बेसिक में इसको हम कैसे सीखेंगे। इसके बोल होंगे धी धी ना ना ती तिट तक तक। ओके, धी धी ना ना ती तिट तक तक। ये मैं सारी कंपोजिशन ना अपने हिसाब से बनाता हूँ, तो मैं जो ये बजा रहा हूँ तो वही आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे समझ आया। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेसिकली मैं सिंगिंग करता हूँ और ढोलक भी मेरा शौक है, तो इसलिए अपने इस शौक को आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो आइए, धी ना ना धी ना ना ती तिट तक तक। ओके, धी ना ना ती तिट तक तक। और जो भी मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैं कुछ इसकी रिहर्सल नहीं करता, बस मन में आता तो मैं, क्योंकि जब रिहर्सल ना की हो तो फ्लो नहीं बनता, इसलिए मेरे फ्लो के लिए, थोड़े से फ्लो के लिए मुझे मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ अभी मैं क्या करूँ। जब हम रिहर्सल ना करें तो ऐसा होता है, तो अगर पता हो कि क्या बजाना वो तो पहले रिहर्सल होती है, बट नहीं, अभी जो मेरे मन में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, धी ना ना ती तिट तक तक। ओके, तो इसमें जो धी ना है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है वो बाकी सभी लेसन से ना, ये अलग चीज़ में लेकर आया हूँ आपके। ओके, अब इसके लिए आपको मैंने बताया था धी कैसे यूज़ करना है, इधर से भी ये और इधर से ये थोड़ा सा स्लाइड लेना है। ओके, इधर से ये और इधर से ये स्लाइड इकट्ठा धी। और दूसरा जो धी है ना, लाइक धी ना, अब ये कैसे बजाएंगे, धी ऐसे ही बजेगा इधर से ये। इसमें जो दूसरा धी है ना, पहला ये हो गया धी और दूसरा इससे। ओके, ये ती ती और उधर से इकट्ठा जब हम बजाएंगे तो धी धी बनेगा, ती ती। ओके, बट हमने बजाना है धी धी। अब इसका जो पहला धी है वो यहाँ से, ठीक है, धी, सॉरी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, धी धी। अब जो दूसरा बजाना है उसे हम कैसे करेंगे, उसे धी, ये आगे स्लाइड, दूसरा थोड़ा सा पीछे स्लाइड, ये आवाज़ आए, ये रखिए धी धी। ओके, धी 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 धी, इधर का धी धी ये हो गया, उधर का बताता हूँ,
एक आगे एक पीछे, एक आगे ओके। अब इधर से ये आएगा ओके, इकट्ठा ओके। अभी हो गया धी धी, अब धी धी ना, अब ना ओनली, जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये ना, ना की टोन यहाँ से आएगी ओके। अब हो गया धी धी ना ना, इजी सिंपल ना, जैसे कंपोजिशन के हिसाब से आप बोल निकाल लेना। अब ये धी धी ना ना, जो धी ना बज रहा है हमेशा ये कंपोजिशन के हिसाब से वो ही बजेगा ओके। धी धी ना धी धी ना ना। अब ती तिट एक धी धी ना ना, ती तिट ये ती, ये तिट तिट तिट, ती तिट ती तिट ती तिट ती तिट। अब तक तक बजाना लास्ट में, ये तक तक, ये तक ता के लिए आप इधर से ये यूज कीजिए इकट्ठा, ना और ये इकट्ठा बजाएंगे त त, और क के लिए ये क ओके। ये हो गया तक 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 तक। आप पूरे बोल क्या हुए, दी दी ना ना ती तिट। इसका थोड़ा सा उठान का रहता है जब कोई गाना गाएगा लाइक ला 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 ला, इसको यहाँ से हमेशा ऑलमोस्ट यहाँ से ही शुरू होता है ओके। ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि अगर सीधे ही उठाएं तो थोड़ा सा ना उसका जो प्रभाव कम रहता है, मज़ा सा नहीं आता। हर ताल का एक उठान होती है तो वो ज़रूरी है, बट वो आपको समझना है कि सिंगर के हिसाब से हमने उसे कहाँ से उठाना है। वो गाने सुना कीजिए, कोई भी दीप चंदी के गाने हैं जितने भी हैं तो वो आप सुन लीजिए। अब जो उससे आगे का जो लेसन मैं आपको बताऊंगा, और जैसे मैं अपने स्टाइल से कैसे, ये भी तो मेरा स्टाइल ही है, बट थोड़ा सा और प्रोफेशनल स्टाइल अगर बजाना कुछ हो जाता है, काफी कुछ होता है। सॉरी ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेसन ताल दीप चंदी का। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन लेकर, इसी का मैं थोड़ा कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि ये ताल सीख लो और बहुत ज़रूरी है, और जिसने ढोलक बजाना है स्टेज पे परफॉर्म करना है बेसिक तो कम से कम पूरा अच्छी तरीके से आपका रेडी होना चाहिए। उसके ये ज़रूरी नहीं होता कि यार वो बंदा तिरगिट बहुत मारता है, उसके बाद वैरायटी बहुत है, बट उसका अगर हाथ ठीक नहीं है, उसके बोल अच्छे नहीं निकल रहे तो ढोलक बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कोशिश कीजिए, अगर एक कहरवा ताल भी बजा रहे हो ना, मैं ये नहीं कहता मैं कि मेरे बोल बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी जो हम सुनते भी हैं ढोलक को, तो वो लोग तो आप डिसाइड करोगे ना किसके बोल कैसे निकलते कैसे नहीं, तो खुद का कोई थोड़ी अपनी तरीफ सुनना कोई करता है। तो लाइक ये देखिए ना, जैसे कहरवा ताल कुछ बोल सुनने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी है वो मेहनत करने से ही आएगी। पता चले लोग बजाते हैं ढोलक, सभी बजाते हैं ठीक है। मैं अपने सिर्फ स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ ये चीज़ें, कि कम से कम थोड़े बहुत तो बोल अच्छे हों, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा बोल आना चाहिए। तो कईयों के बस बोल की और आप लोगों ने ध्यान देना अपना, कि बोल आपके कैसे, अकेला कहरवा ताल बजेगी ना चाहे, पर अगर थोड़ा सा भी बजाना है ना तो बोल अच्छे निकालिए। उसके लिए आपको आपके एयर्स जो है ना वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टोन कानों से बनती है, कान से सुन सुन कर अच्छी अच्छी ढोलक वाले लोगों को सुनो। गिरीश जी महान ढोलक वादक हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, तो उन्हें सुना करो, और जितनी भी उनकी ढोलक बजी है या और भी बहुत बहुत दिग्गज जो हैं ढोलक के कलाकार, नवीन जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो सुना करो, सुनने से बहुत आता है।
ज़्यादा प्रैक्टिकल भी तभी होता है जब माइंड में होगा, तो सुनने से बहुत आता है। कोई भी फील्ड है, सिंगिंग लाइन की हो, ढोलक की हो या तबले की हो, कोई भी है, सुनने से बहुत सारा आता है। उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। उसमें जगह कहाँ लेनी है, ठिकाने उसके कहाँ है, वो सुनने से पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय बाय, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेसन को लेकर। रेडी रहिए और मेहनत करते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।